अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम नया टॉपिक बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नमोनिया। नमोनिया जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज है। ये जो है जरासीम जब लंग्स के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर नमोनिया होता है। तो नमोनिया क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स इज नोन एज नमोनिया। जब कभी लंग्स में कोई इंफेक्शन हो जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं नमोनिया। और अगर दोनों के दोनों लंग्स में इंफेक्शन हो, लेफ्ट लंग में भी और राइट लंग में भी, देन इट इज कॉल्ड डबल नमोनिया। जब दोनों लंग्स में इंफेक्शन हो तो उसको हम डबल नमोनिया कहते हैं। अब इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस किस वजह से होती है? सबसे पहले बैक्टीरियल इंफेक्शन जो है वो इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे ज्यादा नमोनिया जिस जरासीम की वजह से, जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिए। दिस इज द बैक्टीरिया दैट इज द मेजर कॉज ऑफ नमोनिया। नमोनिया की ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी, वायरस, इन्फ्लुएंजा काज करने वाला जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको हम कहते हैं, वो भी नमोनिया की वजह बन सकता है। और तीसरा, फंगस इन्फेक्शन, कभी कभी फंजाई की इन्फेक्शन जब लंग्स में हो जाए तो उससे भी नमोनिया हो सकता है। अब जब ये कोई भी जरासीम लंग्स के अंदर दाखिल होता है तो वो किस जगह पर जाकर अटैक करता है? सबसे पहले जो जरासीम है वो लंग्स के अंदर एंटर हुआ और वहां पर एल्वियोलाई मौजूद होते हैं तो ये एल्वियोलाई को अफेक्ट करना शुरू करता है और एल्वियोलाई में पस भाग जाती है। एल्वियोलाई फिल्ड विद पस, और जब इनमें पस भाग जाएगी तो फिर हवा की एंट्री के लिए वहां पे स्पेस मौजूद नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जो भी इंफेक्शन हुआ, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ, वायरस की वजह से हुआ, फंगस की वजह से हुआ, वो फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस एल्वियोलाई में चले जाते हैं। एल्वियोलाई में जाके वो अपनी तादाद में इजाफा करते हैं और एट द एंड ये जो एल्वियोलाई है ये पस से भर जाते हैं और रेस्पिरेशन में मुश्किल होती है। तो ये था नमोनिया क्या है और नमोनिया को काज करने वाला जरासीम कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम देखें कि नमोनिया के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स शो होती हैं, कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी पर्सन को नमोनिया हो गया है, तो सबसे पहले उसको हाई फीवर होता है, उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, 104-105 तक बॉडी टेम्परेचर पहुंच जाता है और उसको कोल्ड, सर्दी महसूस होती है। टेम्परेचर का बढ़ जाना और बहुत ज्यादा सर्दी लगना, ये इसकी सिम्टम है। शिवरिंग, कपकपी तारी होती है उसमें, वो उसको कपकपी होती है और कांपना शुरू कर देता है, ये इसकी एक और निशानी है। कफ, उसे खांसी आती है बहुत ज्यादा। स्पटम प्रोडक्शन, उसमें बलगम बहुत ज्यादा पैदा होता है खांसी के साथ। शार्ट ब्रीथ, वो तेजी से सांस लेता है। चेंज इन स्किन कलर, और उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है और इस चेंज होने की वजह यह है कि उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये सिम्टम है जिनसे हमें पता चलता है कि किसी बंदे को नमोनिया हो गया। सर्दी का लगना, बहुत ज्यादा बुखार होना, कपकपी तारी होना, खांसी आना और खांसी के साथ बलगम होना और बहुत तेज सांस लेना और स्किन कलर में तब्दीली, दीज आर द सिम्टम बाय विच वी कम टू नो दैट सम पेशेंट हैज नमोनिया। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी वैक्सीन मौजूद है। बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया से जो नमोनिया हो रहा है, बैक्टीरिया जो इसकी सबसे बड़ी वजह है, अभी मैंने आपको बताया उसकी सबसे मेजर वजह एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया।
उसकी वजह से जो होती है उसके लिए वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन जो है निमोनिया होने से पहले लगा दें तो भी वो बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं होगा और पेशेंट जो है वो निमोनिया से बचा रहेगा। और अगर निमोनिया हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो बैक्टीरिया को जाके किल करती हैं, और निमोनिया की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से की जाती है। तो इसके लिए वैक्सीन भी मौजूद है और अगर हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि बीमारी होने के बाद एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया किल हो जाए और बीमारी को ट्रीट किया जा सके। तो ये था निमोनिया, उसकी वजूहात, उसकी सिम्टम और उसकी ट्रीटमेंट हमने देखी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों की हेल्प करने के लिए उनके साथ शेयर करें, और अगर हमारी नई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमें तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।